बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये इमली और आलू बुखारे की चटनी है। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी, आप इसे बना सकते हैं घर पे और बनाकर आप 2 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं और 2 हफ्ते के लिए फ्रिज में भी आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसको मैं हल्का सा गर्म कर लूँगी और इसके बाद इसमें मैंने साबुत ज़ीरा इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। इसके बाद इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है और इमली का पल्प ऐड कर लेना है। इमली मैंने 100 ग्राम ली थी और उसको 1 कप पानी में मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। आपके पास टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी में 15 मिनट के लिए सोक कर लें और इसके बाद इसके बीज निकाल लें। मैंने पल्पी इमली यूज़ की है। इसके बाद मैं आलू बुखारा लूँगी और आलू बुखारा भी जो है वो 130 ग्राम थी, इसको 1 कप पानी में मैंने 2 घंटे के लिए सोक कर लिया था। आपके पास टाइम नहीं तो आप 15 मिनट गर्म पानी में सोक कर सकते हैं, उसके बाद मैं इसके बीज निकाल लूँगी। अच्छा, ये याद रहे कि जो आलू बुखारे की क्वांटिटी इमली से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर लिया है। आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप गुड़ ऐड कर सकते हैं, और नॉर्मल जो शुगर है वो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लिया है। और इसके साथ मैं इसमें सीजनिंग ऐड करूँगी, जिसमें मैं सीजनिंग में डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और इसके साथ साथ मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, क्रश्ड ज़ीरा भुना हुआ वो ऐड करूँगी, क्रश्ड भुना धनिया 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी, चाट मसाला 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको हल्का सा पकाएंगे, हमें इसे मीडियम आंच पे पकाना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। और इसके साथ साथ मैं इसमें टेस्ट के लिए जो है कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो 1 टीस्पून भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है और इसे 1/2 कप वाटर में मैंने मिक्स कर दिया है, और अब हम इसमें डालकर इसे मुसलसल चलाएँगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जब आपको लगे कि आपको जो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है वो आ गई है तो आप बस चूल्हा बंद कर दें। ये हमारी बहुत ही मज़े, बहुत ही टेस्टी जो चटनी है वो तैयार है। आप इसको फ्रीज़र में 2 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं और फ्रिज में आप 2 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं। किसी भी कबाब स्नैक के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। समोसे, कबाब, पकौड़े सबके साथ बहुत डिलीशियस लगती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।